हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज मिकेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैब की, एंड वोकैब के अंदर हम बात करेंगे अगेन इडियम्स, टॉप 10 इडियम्स जिनका यूज हम लैंग्वेज में करते हैं एंड कई बार वो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो का। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मेरे जल्दी से जल्दी मिले। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स बताने वाला हूँ जिनको कई बार हम एग्जाम्स में भी पाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में पाते हैं, एंड उनका लैंग्वेज में भी एक डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, एक अच्छे लहजे में यूज किया जाता है। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारा पहला इडियम्स की। तो इस सीरीज में हमारा जो पहला इडियम्स आता है वो आता है मैन ऑफ लेटर्स, राइट। तो मैन ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो लेटर्स से आप अंदाजा लगाइए लेटर्स का मतलब क्या है। लेटर्स मतलब अक्षर। जब अक्षर को मिला के भाषा बनती है और एक व्यक्ति जो भाषाओं का ज्ञान रखता हो तो वो कैसा हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी नॉलेज हो, जिसे हम स्कॉलर बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, विद्वान। सो मुझे बताना है, माई अंकल इज ए स्कॉलर, मेरे जो अंकल है वो विद्वान है, उन्हें बहुत नॉलेज है। लॉर्ड कृष्णा वॉज ए स्कॉलर, तो भगवान कृष्ण जो थे वो स्कॉलर थे, उन्हें बहुत सारा ज्ञान था, राइट। सो जिस व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिस व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ही इज अ स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर्स, लॉर्ड कृष्ण वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वन ऑफ माय अंकल इज अ मैन ऑफ लेटर्स, राइट। तो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है। अगला आता मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब तिनका। तिनके की अगर हम बात करें, फूक मारे तो उधर उड़ जाता है, हवा आएगी तो उधर से उधर उड़ जाएगा, यानी कि तिनके की अगर हम बात करें तो तिनका का मतलब है किधर भी चले जाना, राइट। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है एक व्यक्ति जिसकी घर में चलती नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसे जो आदमी आए आकर के आदेश देता है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, राइट, यानी वेरी कॉमन पर्सन। सो मुझे बताना है कि रोहित इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन हिज फैमिली। रोहित अपने घर में बड़ा कॉमन आदमी है, इसकी चलती नहीं है, जो कोई आता है इसे बजा के चला जाता है, या उसकी बेइज्जती करके चला जाता है, या उसे ऑर्डर दे देता है, राइट। सो मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसकी चलती ना हो, राइट, बड़ा कॉमन व्यक्ति। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारा थर्ड आता है बाय हुक और बाय क्रूक। आपने बहुत सुना होगा, भाई राजी राजी से देते वरना गैर राजी, भाई सीधी उंगली से गिरी निकलना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह की जो हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बोले जाते हैं तो इंग्लिश में बोला जाता है बाय हुक, यानी कांटे से, हुक मतलब अंकड़ा कांटा। बाय क्रूक होता है बदमाश, भाई देख सीधे सीधे निकाल दे, वरना फिर दूसरा तरीका भी आता है। तो बाय हुक और बाय क्रूक मतलब राजी राजी, नहीं तो क्या राजी। सो मुझे बताना है डू माय वर्क, अदरवाइज यू हैव टू वर्क, बाय हुक और बाय क्रूक। सो यू हैव टू वर्क, बाय हुक और बाय क्रूक, आपको काम करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो क्या राजी, क्योंकि आपने मुझसे पैसा लिया है, राइट। सो रिटर्न माय मनी, अदरवाइज I will get my money by hook or by crook, right? तो राजी राजी नहीं तो गैर राजी, मैं अपना पैसा निकलवा दूंगा, right? चलिए हम आगे बात करते हैं hard and fast। Hard and fast की अगर हम बात करते हैं, hard and fast का मतलब होता है कठिन, right? कठिन जटिल। तो मुझे बताना है कि लॉकडाउन खुल चुका है, और लॉकडाउन खुल चुका है तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ नियम दिए हैं, तो मुझे बताना है there is no hard and fast rule, ऐसे कोई कठिन नियम नहीं है। There is no hard and fast rule, ऐसे कोई कठिन नियम नहीं है जो हम फॉलो ना कर पाए, राइट। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इन पिक होल्स इन। पिक होल्स इन मतलब गलतियां ढूंढना, पिक होल्स कहां गड्ढे हो रहे हैं, है ना, गलतियां ढूंढना। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है वो हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं, उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता। जब देखो नेगेटिव। तो जो नेगेटिव ही देखते हैं उनकी आदत हो जाती है पिक होल्स करने की, यानी कि गलतियों को ढूंढने की, राइट। सो पिक होल्स, सो मुझे बताना है माय फ्रेंड ऑलवेज ट्राई टू पिक होल्स इन माय वर्क, मेरा दोस्त मेरे काम में हमेशा गलतियां निकालने की कोशिश करता है, राइट। सो पिक होल्स, गलतियां ढूंढना। चलिए हम आगे बात करते हैं, हमारा अगला आता है इन अ नटशेल। नटशेल की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों की आदत होती है, एक मूवी देख के आई, मूवी देख के आया तो वो पूरा एक्सप्लेन करना, यार क्या मूवी थी, ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ, राइट। किसी छोटी सी बात को भी बताना है तो पूरा सविस्तार वर्णन करेंगे, राइट। तो सविस्तार वर्णन करना मतलब डिटेल में बता रहे हैं डिटेल्स, राइट। तो उस कंडीशन में बोलना चाहता हूं कि भैया आई डोंट हैव टाइम, प्लीज एक्सप्लेन इन नटशेल। तो आप समझ गए होंगे मतलब, प्लीज एक्सप्लेन इन नटशेल का मतलब है कि संक्षिप्त में बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए, है ना, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो प्लीज एक्सप्लेन इन नटशेल, राइट। सो एक्सप्लेन द स्टोरी इन नटशेल,
एक्सप्लेन द स्टोरी इन नटशेल का मतलब है कहानी को संक्षिप्त में बता दीजिए, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला आता है हमारा नेट इन द बर्ड। नेट होता है सुई लगाना, बर्ड मतलब कली, तो कली जब खिलती है अगर उसमें उसी समय सुई लगा दी जाए तो वो सूख जाती है, राइट। यानी कि अर्ली एज पे ही किसी भी चीज को खत्म कर देना, राइट। जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते थे जब हीरो जो होता था वो जब बच्चा होता था तो जो गुंडा था वो कहता था ऐसे अभी खत्म कर दो क्योंकि ये बड़ा होगा तो दिक्कत देगा, राइट। जैसे कि कोयला मूवी आई थी तो कोयला मूवी में क्या किया कि जो शाहरुख खान था बचपन में उसके मुंह में कोयला डाल दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कभी अपना मुंह ना खोल पाए। यानी कि जब बच्चा था छोटा था तभी उस कली को क्या कर दिया गया, मसल दिया गया, राइट। यानी किसी भी चीज को अर्ली एज पे ही खत्म कर देना तो वो क्या होता है, निप इन द बर्ड, राइट। सो मुझे बताना है इन कोयला मूवी शाहरुख खान वॉज निप इन द बर्ड, शाहरुख खान को बचपन में ही कुचल दिया गया, राइट। सो अब हम आगे बात करते हैं लुकडाउन अपॉन। नेक्स्ट आता है हमारा लुकडाउन अपॉन। लुकडाउन अपॉन की मैं बात करूं तो लुकडाउन अपॉन का मतलब होता है लुक मतलब नीचे देखना, डाउन मतलब उन लोगों के ऊपर देखना, डाउन मतलब वो लोग जो आर्थिक स्थिति में दबे कुचले हैं उन लोगों के ऊपर देखना, अपॉन उस हीन भावना से देखना। तो लुकडाउन अपॉन का मतलब है किसी की इंसल्ट करना, किसी का तिरस्कार करना, राइट। सो लुकडाउन अपॉन है ना हीन भावना से देखना। मुझे बताना है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी हमें गरीबों का इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। One should not look down upon the beggar. तो एक व्यक्ति को भिखारियों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेयर नेस्ट। मेयर नेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप लैंग्वेज में यूज कीजिए मेयर नेस्ट। मेयर नेस्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, अरे सब कोरोना निकला हमारी कॉलोनी में, जानकारी गलत है, राइट। अरे सब फलानी जगह ये हो गया, जानकारी गलत है। तो कोई भी जानकारी देना गलत हो या कोई भी अफवाह फैलाना, किसी भी अफवाह को फैलाने का मतलब होता है मेयर नेस्ट, राइट। तो अफवाह का फैलाना या अफवाह होना या बात गलत होना क्या कहलाएगा, मेयर नेस्ट। तो मुझे बताना है कि टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन इन दिस मैनर इज जस्ट लाइक अ मेयर नेस्ट, मेयर नेस्ट है ना। तो हम लोग लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, किसी खबर को सुनते हैं और पाते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत है, राइट। तो वो गलत है क्या बोलेंगे, रियलिटी जब मुझे रियलिटी पता चले तो पता चला कि ये तो एक अफवाह है, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारा आज का लास्ट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क की बात करें तो बिल्कुल सही, राइट, अप टू द मार्क, राइट। तो मुझे बताना है कि मेरे टीचर ने मुझे काम दिया है, राइट, और मैंने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने के साथ मैंने जब टीचर को प्रेजेंट किया बोलते हैं यस दिस वर्क इज अप टू द मार्क, जैसा मैंने कहा था वैसा ही मैंने पाया है या जैसा मैंने आदेश दिया था वैसा ही आपने किया है, अप टू द मार्क, वेरी एब्सोल्युटली राइट, या सही तरीके से, राइट। सो अप टू द मार्क। तो चलिए हमने आज बहुत ही बेहतरीन 10 नए एडियम्स को सीखा है, 10 नए एक्सप्रेशंस को सीखा है जिन्हें लैंग्वेज में हमें यूज करना है। तो एक बार हम जान लेते हैं कौन कौन से थे वो। पहला था हमारा मैन ऑफ लेटर्स, दूसरा था मैन ऑफ स्ट्रॉ, तीसरा था बाय हुक और बाय क्रूक, चौथा था हार्ड एंड फास्ट, एंड पांचवा था पिक होल्स इन, राइट, एंड छठा था इन अ नटशेल, एंड सातवां था निप इन द बर्ड, एंड आठवां था लुक डाउन अपॉन, एंड नौवां था मेयर नेस्ट, and this was up to the mark, right? So I hope आपको ये समझ में आया होगा, and आप इन expressions को language में use करें और इसी तरह से इन्हें use करें जिससे कि आपकी English और अच्छी हो। मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो एक बार channel को subscribe जरूर कर लीजिए, right? And अगर video अच्छा लगा हो तो share कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन videos ला सकूँ।